अपन ने कुछ स्लाइड कंप्लीट कर ली थी पावर पॉइंट की, तो वही ओपन करते हैं अपन। ये था, ठीक है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक नेम आपने ले लिया था इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब आपने यहाँ पे एजुकेशन लिया हुआ है, तो एजुकेशन के बारे में आपको टॉपिक सर्च करने रहेंगे, तो वो आप कहाँ से कर लेंगे, गूगल क्रोम से। तो अपन यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे अपन सर्च कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसे भी बता रहा है, अगर आपको ऐसे लेना स्पीच लेना है तो स्पीच भी ले सकते हैं। अपन यहाँ पर टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है। हिंदी में डालना है तो हिंदी लिख देंगे, इन हिंदी, इंग्लिश में लाना है तो इंग्लिश लिख देंगे, जैसा भी आपको लेना हो। फिर यहाँ पे ये बता देगा आपको, नीचे अपन स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है व्हाट इज इंपोर्टेंस एजुकेशन, तो एजुकेशन क्यों इंपोर्टेंट है, तो वो यहाँ पे दे रहा है आपको। अगर आपको ये लेना है तो आप इसे पहले तो आप ये हेडिंग ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, जैसे कि इसको सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अगर आपको ये लेना है तो ठीक है, इसको दिए आप उसके अंदर ये लिख देंगे। अगर ये नहीं लेना, कुछ अलग टॉपिक लेना है, तो अपन चलते हैं ये जो लिंक आ रही है इसके अंदर चलते हैं। अपन देखिए यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज एजुकेशन, वही ऑप्शन इसने यहाँ पर दिया। फिर यहाँ पे ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बता रहा है वो अलग अलग स्किल वगैरह, तो ये ऐड आ जाएगा आपको, इसे अपन क्लोज कर देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, प्रिय मोर ऑप्शन, यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया उसने एजुकेशन के लिए। तो अगर आपको ये ठीक लगते हैं तो आप ये ले लेंगे, अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे हिंदी में सर्च कर लेना, जैसे अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ, तो आप हिंदी में ले लेना यहाँ पे, ठीक है। बस तो यहाँ पे देखिए आ रहा है आपका शिक्षा पर निबंध भी बता रहा है वो इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे दरा प्रस्तावना उसके बारे में बताया, फिर उसने तो यहाँ पे महत्व भी बताया है, तो आप नीचे करेंगे ना तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। तो अब आप बताइए आपको किस टाइप से लेना है, हिंदी में लेना है या इंग्लिश में लेना है, मातृभाषा हिंदी में ले लेते। चलिए यहाँ पे अपन करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, देन यहाँ पे पावर पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देते हैं, तो ये तो आपकी हेडिंग आ जाएगी। ठीक, इसका साइज आप जितना भी बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बन से होता अल्टर के साथ बन प्रेस करेंगे तो ये स्माइली आ जाएगी इस टाइप से, अल्टर के साथ बन, ठीक है। अगर आपको बुलेट्स देनी हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आपको देनी हो, ठीक है, पर अपन ने नहीं देना क्योंकि अपन नहीं दे रही। अब अपन यहाँ पे शिक्षा का महत्व हेडिंग लिए तो उसके बारे में अपन यहाँ पे लिखना भी रहेगा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे यही लिया था अपन ने, तो इसको आप कहाँ से कॉपी करना चाहते, कहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग से यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से आप कॉपी करें, लेकिन आप यहाँ पे नीचे पढ़ के देख लेना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो अगर आपको यहाँ से नहीं लग रहा, नीचे से लग रहा है कि शिक्षा हम सभी उज्ज्वल मतलब जो भी है भविष्य के लिए, तो आप यहाँ से उसके लिए भी ले सकते हैं। तो अपन यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी किया, पावर पॉइंट पर चलते हैं और यहाँ से कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करें। अब ये तो हम ऑनलाइन ले रहे हैं, इसमें यहाँ तक नहीं आया शायद, परिचित हो सकते हैं यहीं तक आया। देखिए क्या है कि इसमें तो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ऑफलाइन भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक भी टाइप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को ले लेते हैं इस साइड, और इस टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, यहाँ से आप साइज बड़ा छोटा कर लेंगे जितना भी आपको लेना हो, ठीक। इसके बाद शिक्षा का महत्व, तो आपने टॉपिक लिया उसकी इमेज लेनी है,
तो अपन यहाँ पे कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं और इमेज अपन यहाँ पे सर्च कर लेंगे। हाँ तो देखिए इमेज आ गई है आपके पास। आपको जिस भी टाइप का यहाँ पे जिस भी टाइप की यहाँ पे इमेज लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये इमेज लेनी है ये ले लेते हैं ये ले लें। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ओपन रहने देंगे ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं पावर पॉइंट पर और यहाँ पे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और आपने स्क्रीनशॉट ऑप्शन किया हुआ है इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, देन स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है आ जाएगी इमेज। अभी यहाँ पे बाइट आ रहा है तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं बाद में। इसका साइज आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे ठीक। अभी पीछे बाइट आ रहा है आपकी थीम जो आपकी स्लाइड है इसमें कोई सी थीम देनी हो तो आप डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ से। अगर आपको कोई सी थीम लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो क्या करेंगे आप राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ से पिक्चर एंड टेक्स्चर। तो आप यहाँ से ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन आपको जैसे भी लेनी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमें आप अपने सिस्टम में कुछ थीम्स पहले से सेव है तो वो ले लेते हैं। जैसे कि हमें ये लेनी तो हमने इसको सेलेक्ट किया देन इंसर्ट किया तो आप देखेंगे वो थीम आ जाएगी ठीक है। इसका इसको अगर आपको फॉन्ट थोड़ा चेंज करना हो तो होम टैब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसका फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं हिंदी का। तो यहाँ से आप हिंदी वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसका बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना हो तो जैसे भी आपको लेना हो यहाँ से आप ले लेंगे ठीक है। अपन इसको देखते हैं ठीक है। अभी पिक्चर आ रही है पिक्चर में आपको कुछ एडिटिंग करनी हो तो ये पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाता है। एमएस वर्ड में किया था आपने एक्सेल में किया था तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन पिक्चर्स के लिए मिलते हैं। तो अपन यहाँ पे पिक्चर किस टाइप से रखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो देख लेंगे। अलग अलग यहाँ पे आपको स्टाइल मिल रही है इसकी ठीक। तो अपन ये ले लेते हैं ये ठीक लग रहा है ठीक। तो आ जाएगा आप सभी को। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब इस स्लाइड में आपको और भी टॉपिक लेने हैं तो यहाँ से आप और भी टॉपिक ले सकते हैं। और भी टॉपिक हैं इसमें आपके पास कंट्रोल सी से आप इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे और आप इसे पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर देंगे ठीक है। और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे जो भी आपको लेना है। इसके बाद इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है। इसका टॉपिक तो अपने पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं अपन यहां से ले लेते हैं यहां तक ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी किया अपन ने और इस पर चल के अपन कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। और भी कुछ लेना है जैसे आपको यहां से लेना है जैसे कि तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। कंट्रोल प्लस से कॉपी किया और इस पर आके कंट्रोल प्लस से पेस्ट कर देंगे तो ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। अब अपन इसको इस साइड रखते हैं टेक्स्ट को क्योंकि इस वाली स्लाइड में अपन ने इस साइड लिया था। आपको अगर एक ही साइड लेना तो आप वो भी ले सकते हो बट अपन ने इस साइड लिया था तो अपन इस साइड ले लेते हैं ठीक है। और इसके फॉन्ट साइज क्या रखना है आप वो ले लेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आपको इमेज लेनी है तो अपन इस टॉपिक को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पे अपन जाकर पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये आपकी इमेजेस आ जाएंगे ठीक है। तो यहाँ